वृंदावन में रहने लगे कन्हैया। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा घर आंगन को साफ किया जा रहा है, घर घर में पूरी पकवान बनाए जा रहे हैं, इन बच्चों को बैठा लो भैया, इन बच्चों को बैठा लो। भगवान श्याम सुंदर ने एक दिन देखा पूरे ब्रज में पूरी पकवान बनाए जा रहे हैं, घर आंगन को साफ किया जा रहा है, तो श्याम सुंदर कहने लगे मां आज ही ब्रज में क्या हो रहा है? तो जवाब दिया है मैया, कन्हैया बोलने लगे मां आज पूरे घर में, अरे हमारे घर की छोड़ा पूरे ब्रज में आज जिन ग्वालन की कबू नाग पे ते मोमबत्ती की फैक्ट्री में झूपती, आज बड़ो लंबो लंबो कजरा लगाए फिर रहे है? जवाब दिया आज ब्रज में क्या हो रहा है? तो मैया सोचल लगी मेरे कन्हैया बात में से बात निकालते रहते है। जवाब दिए लाला बाबा नंद को पूछा, और पंडित जी झांकी तैयार हो गई हो तो ले आओ गोवर्धन महाराज जी की। इधर श्रोताओं भक्त जनों बताया भगवान श्याम सुंदर पास पहुंचे, जवाब दिए बाबा ये ब्रज में क्या हो रहा है? सुंदर भैया ताली बजा करके भजन बोले प्रेम के साथ में, भक्ति में झूम जाएंगे। एक बार एक भक्त बोला ताली बजा के बोले
भगवान की पावन कथा के बारे में जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण बाबा नंद के पास पहुंचे, जवाब दिया बाबा आज ये पूरे ब्रज में क्या हो रहा है। जवाब दिया नाना अरे सबसे बूढ़ो नंद अरे कपिले पूजन करवायो
महाराज जी का पूजन कर पा रहे हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की, जोर से जयकारा बोले, बोलिए गिरिराज जी महाराज की। पंडित जी पहुंच जाओ, पूजन करवाओ, समल को थाली रखवा लो और चंदन वही रख लीजिए। और ध्यान दें परिचित महाराज जी, यज्ञपति महाराज, सभी लोग बिना दक्षिणा के कच्छ ना, ठीक है। इधर सभी संगियाएं कहने लगी, ताली बजा के बोले, अरे मैं तो बारा धन को और जाऊं मेरे भी पूजन चल रहा है। अरे महाराज और तेरे माथे मुकुट विराज, yeah।
से ताली बजा के बोलेंगे कुछ सखियां कहने लगी अरे मनाया ही रे ब्रह्मा देखे बाबा को जय जयकार हो रहा है।